बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज से मैं अपना रेसिपी स्टार्ट करने जा रही हूँ, अपना चेहरा दिखा के। मैं इससे पहले रेसिपी नहीं डाल रही थी कोई वजह से, आज से मैं अपना चैनल चालू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे वापस देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मैं आप लोगों को मेरी रेसिपी दिखाती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चिकन लेना है, 300 ग्राम चिकन है। इसमें काली मिर्च पाउडर लगाकर हमने रख दिए थे, 4 से 5 हरी मिर्ची लेना है, 3 से 4 लहसुन के टुकड़े और छोटी सी हमें अदरक का टुकड़ा लेना है, प्याज ले लेना है एक रफली चॉप करके। ये सारी चीज़ों को हम पीस कर ले लेंगे। और हमें टफिंग बनाने के लिए लेना है 1 चॉप किया हुआ प्याज, 1 हमें बटाटा लेना है चॉप किया हुआ, टमाटर हमें बॉईल करके लेना है, थोड़ा सा अदरक लहसुन लेना है, हमें बहुत कम क्वांटिटी में अदरक लहसुन लेना है, और सूखी मिर्ची को भी हमने टमाटर के साथ बॉईल करके ले लिए थे। इसका पेस्ट जैसा बनाकर ले लेंगे, टमाटर प्यूरी हम जैसे बनाते हैं। और हमने चिकन का कीमा बनाकर ले लेना है, वही हम ये टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिलिंग्स भरने के लिए हमें पुदीना और कोथमीर लेना है, थोड़ी हम फिलिंग्स में डालेंगे। हमें गरम मसाला लेना है, चीज़ लेना है, मैजिक मसाला लेना है, नींबू लेना है। थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक यूज़ करेंगे, 1 चम्मच ब्लैक सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच रेड चिल्ली सोया सॉस है। तो ये सारी चीज़ों से हम तैयार कर लेंगे चिकन फॉइल स्टीम स्टार्टर। तो हम ये सारी चीज़ों से तैयार कर लेंगे। हमें फॉइल पेपर भी लेना है, हम यही पानी में स्टीम देंगे। तो हम पीस कर ले लेंगे मिर्ची, अदरक लहसुन जो हमने लिए है एक रफली चॉप करके, जो हमने प्याज लिए है इसको बस हम एक बार दड़दड़ा सा पीस कर ले लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें चिकन हमारा डाल के अच्छे से इसको पीस कर ले लेंगे। हमें इसका जैसे हम कबाब बनाते हैं वैसे ही हमें फॉइल में चपटा करना है अच्छी तरीके से, इसके अंदर हमारी फीलिंग्स भरेगी। तो हमें अच्छी तरीके से इसको पीस कर लेना है। तो देखिए जो हमारा बचा हुआ चिकन है वो सारा भी हमने पीस कर ले लिए है। और जो अभी हमने प्यूरी जैसे बनाना है टमाटर का पेस्ट, तो हम वो बना कर ले लेंगे। सूखी मिर्ची डाल देंगे, अदरक लहसुन हमने जो थोड़ा सा लिया है वो डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी फीलिंग्स बनेगी बहुत जूसी सी, टमाटर की बहुत अच्छा लगेगा, जैसे शेजवान चिकन होता है ये उस टाइप में रहेगा, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए हमारी टमाटर की प्यूरी बन चुकी है, हमें पेस्ट जैसे बनाकर लेना है। हम फिलिंग्स बना लेंगे, गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो देखिए कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें हम प्याज डाल देंगे चॉप किया हुआ। प्याज को हमें बस हल्का सा सॉफ्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे चॉप किया हुआ। आलू और चिकन हम साथ में ही डाल देंगे, ये सब एक साथ अच्छे से पूरा पक जाएगा अच्छी तरीके से। और हमें इसको बॉईल करके बॉईल पानी में स्टीम भी देना है, तो ये जो बाकी जो कच्चापन रहेगा वो स्टीम में अच्छी तरीके से पक जाएगा। देखिए हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसमें हम नमक डाल देंगे जितना हमें चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे उतना हम इसमें नमक मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो चिकन का पानी है वो उसे सुखा कर ले लेना है। फिर उसके बाद हमें टमाटर की प्यूरी डालना है, इससे बहुत अच्छा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत जूसी सा बनता है। टमाटर की प्यूरी बनाकर ऐसा पेस्ट डालने से बहुत अच्छा हमारा स्टार्टर बनेगा इस तरीके से, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। देखिए हमें जो टमाटर का पानी है
टमाटर में भी पानी छूटता है, तो हमें उसको भी अच्छे से सुखा कर लेना है। तो देखिए 5 मिनट तक हमने इसे भी पका लिया, उसके बाद हम इसमें चिकन क्यूब डाल देंगे, हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। नींबू थोड़ा डाल देंगे, अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा उसमें। आधा चम्मच हमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है। सारी चीज़ों को हम मिक्स करके ले लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, ये स्टीम में भी पकेगा 10 से 15 मिनट के लिए। तो हमें हर चीज़ को ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ा ये कच्चा पक्का जैसे ही हमें रखना है। इसमें हम टमाटर, टमाटो केचप, ब्लैक सोया सॉस और रेड चिल्ली सोया सॉस, ये तीनों सॉस भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम और गैस बंद कर देंगे। ये बन के तैयार हो जाएगा जो हमारी फिलिंग्स है। देखिए 2 से 3 मिनट और ये पक चुका है जो हमारी फिलिंग्स है। हम गैस को बंद कर देंगे, ये अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब हम तो देखिए जो हमने ये जो चिकन पीस के लिए थे, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डालकर इसका हमें फॉइल पेपर में, ऐसे जो हम कबाब बनाने के लिए चपटा सा करते हैं वही स्टाइल में, हमें इसको भी फॉइल पेपर पे चपटा करना है। तो देखिए हमने चीज़ लिए है, क्यूब चीज़ लिए है और ये मोज़रेला चीज़ है, मोज़रेला चीज़ भी हम डालेंगे। तो हम पहले फॉइल पेपर पे ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। फिर जो हमने चिकन पीस कर लिए है, हम उसे हाथों से अच्छे से गोल कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बहुत ही यूनिक स्टाइल का है ये स्टार्टर, बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। देखिए हमें थोड़ा ऑयल लेके अच्छे से इसे चपटा कर लेना है फॉइल पेपर पे। उसके बाद जो हमने फिलिंग्स बना कर रखे हैं चिकन के कीमे की, वो भी हम डाल देंगे इसमें। और जो हमने क्यूब चीज़ और मोज़रेला चीज़ लिए, वो भी हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा चीज़ का। अब हम इसे फोल्ड करके ले लेंगे फॉइल पेपर से, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और बहुत ही जल्दी बनता है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। आप जल्दी से बना सकते हो और बहुत ही यूनिक स्टाइल की रेसिपी का स्टार्टर है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेहमानों को देने के लिए, सर्व करने के लिए। बहुत ही अच्छी और यूनिक स्टाइल की रेसिपी है। देखिए वैसे ही हम सारे जो हमारे स्टार्टर है उसको भी बना कर ले लेंगे, जितना हमारा चिकन है उस हिसाब से हम सारे बना कर तैयार कर लेंगे हमारे स्टार्टर। देखिए हमारे स्टार्टर बन चुके हैं, 6 बने हैं हमारे उतने कीमे में, और ये जो फिलिंग्स है हमारी टफिंग थोड़ी बच चुकी है, तो हम बॉईल कर लेंगे पानी को एक तपेली में डालकर। उसके बाद हमें ऐसे ही फॉइल पेपर के साथ उसे पानी में छोड़ देना है, अच्छे से स्टीम लगा लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में जो हमारा स्टार्टर है वो बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हम ऐसे ही रख देंगे फॉइल पेपर के साथ अच्छे से, और ये बॉईल आ जाएगा। इसके बाद हम इसको ढक्कन ढक देंगे अच्छे से स्टीम होने के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक्कन ढककर। देखिए बॉईल आ चुका था तो हमने इसको ढक्कन लगा दिए, ये अच्छी तरीके से पक चुका है और जो ऑयल है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है जो फिलिंग्स के लिए हमने यूज़ किए थे। तो देखिए ये हमारा जो स्टार्टर है वो बन चुका है,
देखिए बहुत ही यूनिक स्टाइल का स्टार्टर है, आप भी घर में ज़रूर बनाइए। बहुत अच्छी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जूसी चिकन लगता है खाने में, इसका बहुत ही टेस्ट आता है, एकदम जूसी सा फ्लेवर आता है खाने में। बोलो अभी। देखिए अभी मैं इसको खा के बताती हूँ आपको कैसा लगा। हम लोग तो हमेशा बनाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, फिर भी बहुत पसंद है ये। आप भी एक बार ट्राई घर में ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको भी पसंद आएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। ये देखो मेरा नवासा भी अभी मुझे खिलाएगा। देखिए रेयान भी अभी खिला रहा है। ये मेरा नाती है, ये मेरा नवासा है, देखो नानी को कैसा खिला रहा है। खुद तो खाता नहीं है बल्कि मुझे बराबर खिलाता है हर चीज़ के, नानी खाओ और खाओ और खाओ, मस्त बनाए ऐसे बोल रहा है, माशाल्लाह। लाइक करो, मेरा बच्चा बोल रहा है लाइक करो, शेयर करो। देखिए मैंने ये रेसिपी बनाई हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल मोनिटाइज कीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।